नमस्कार, मैं एलके गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट www.lkgautam.com भी देख सकते हैं। आज आपके सामने जो धारा रखने जा रहा हूँ वो धारा 377 आईपीसी। प्रकृति विरुद्ध अपराध क्या है, अननेचुरल सेक्स क्या होता है, आजकल आप देख रहे हैं समाज में दहेज उत्पीड़न यानी सेक्शन 498A के साथ 376, 377, 313, 354 आईपीसी जैसे अपराध होते हैं। उन एफआईआर में ये आरोप होते हैं कि पति के भाई पिता ने महिला के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ जैसा अपराध किया है, या ससुराली जनों ने गर्भपात करा दिया है। क्या ऐसे अपराध ससुराल में हो रहे हैं? क्या ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं कि हमें ससुराली जनों को सबक सिखाने के लिए ऐसे गंभीर आरोप लगाने पड़ रहे हैं? कानून आपको अनुमति देता है, कानून ये कहता है कि आपके साथ जो अपराध हुआ है आप उसकी कार्रवाई करें। इसी संबंध में धारा 377, इसका बेझा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस धारा को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। हमें समझना चाहिए कि धारा 377 आईपीसी क्या है। जो कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा इंद्रिय भोग करेगा, वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। यानी आजीवन कारावास तक की सजा 377 में है। आप ये देखिए कितना गंभीर आरोप है। एक पत्नी ये कहती है कि मेरा पति मेरे साथ अप्राकृतिक मैथुन करता है, जबरन गलत काम करता है। पति को अधिकार है कि पत्नी के साथ में प्रकृति के अनुसार इंद्रिय भोग करे, लेकिन अगर वो गलत करता है तो वो सजा का पात्र है, उसकी सजा होगी। लेकिन क्या ऐसे आरोप 498A के साथ लगाया जाना उचित है? ये विचार भी आप और मुझे और जो लोग सुन रहे हैं या जिन तक इस वीडियो के शब्द पहुंच रहे हैं उन्हें विचार करना चाहिए। 376 आईपीसी एक गंभीर अपराध है और इसकी सजा भी गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में यह कहा, जो लोग एलजीबीटी की बात करते थे उन्हें अधिकार दिया, लेकिन यह कहा कि धारा 377 आईपीसी के प्रावधान लागू रहेंगे और ये उन बच्चों के संबंध में, पशुता के संबंध में या बिना सहमति के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा अपराध किया गया है
वहां तक लागू रहेंगी। इस तरीके से धारा 377 की कार्रवाई को एक पत्नी कानूनन करा सकती है। चूंकि यह भ्रम फैलाया गया है कि संशोधन के बाद 376 की परिधि में प्रकृतिक विरुद्ध जो अपराध है, अननेचुरल सेक्स है, वो आ जाएगा। अननेचुरल सेक्स अगर ऑफेंस कमिट होता है तब वो सेक्शन 377 में कवर होगा। मोहम्मद मुस्तफा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में ऐसे आरोप हाईकोर्ट इलाहाबाद तक पहुंचे, तब हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा नवतेज सिंह जौहर सुप्रीम कोर्ट, निमेश भाई भरत भाई देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के निर्णय को, उन निर्णयों पर भरोसा किया गया और यह माना, यह भरोसा किया कि 377 की कार्रवाई एक पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध या जिस व्यक्ति द्वारा उसके साथ ऐसा अपराध किया गया है कराई जा सकती है। अगला जजमेंट छत्तीसगढ़ में दिलीप पांडे बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, चूंकि इस मामले में पत्नी द्वारा 376 और 377 दोनों धाराएं पति के खिलाफ लगा दी गई। इन दोनों धाराओं में यह कहा कि मेरा पति मेरे साथ अननेचुरल सेक्स करता है और ऐसे कार्य करता है कि जिससे मैं शर्मसार हो जाऊं, वो धाराएं बनती हैं और 377 का कार्य, 376 का कार्य होता है। चूंकि हाईकोर्ट ने, छत्तीसगढ़ ने यह माना कि 376 जैसे अपराधी कार्रवाई पति के खिलाफ नहीं कराई जा सकती है, 377 का मामला बनता है और 377 के आरोप को जारी रखा जा सकता है और उस मामले में कार्रवाई एक पत्नी करा सकती है। इस तरीके से आपके सामने हमने धारा 377 के प्रावधान को आपके सामने रखा है और आपको यह अधिकार है, यानी पत्नी को यह अधिकार है कि वो 377 की कार्रवाई करा सकती है अगर ऐसा अपराध उसके साथ होता है। चूंकि इसमें कंसेंट पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं है, कंसेंट है या नहीं, कंसेंट यहां महत्व तो नहीं रखती है। अगर पत्नी आरोप लगाती है कि उसकी मर्जी के बिना ऐसा हुआ, तब कंसेंट को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यह माना जाएगा अगर मेडिकल सपोर्ट करता है कि यह अपराध हुआ है, और जब अपराध हुआ है तो पति को निश्चित तौर पर सजा होगी। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।